नमस्कार। मुझे जो प्रश्न पूछे जाते हैं ड्यूरिंग माय कंसल्टेशन, अगर उनका मैं एक समरी निकालूं तो दो ही तरह के प्रश्न पूछते हैं लोग। पहला प्रश्न ये होता है कि मुझे मटेरियल वेल्थ कब प्राप्त होगी, और सेकंड, मुझे इंटरनल ज्ञान या पीस कब प्राप्त होगी। अगर मैं इन दोनों प्रश्नों को संस्कृत में डाल दूं तो लोग ये पूछते हैं कि मुझे मटेरियल वेल्थ दैट मीन्स रिद्धि कब प्राप्त होगी, और मुझे इंटरनल विजडम दैट मीन्स सिद्धि कब प्राप्त होगी। तो जवाब स्वाभाविक है, रिद्धि और सिद्धि कब प्राप्त होगी, जब आप गणपति बनोगे तब। अब गणपति बनना मतलब क्या, उसके लिए नारद पुराण में, इवन शिव पुराण में और गणेश पुराण में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है, स्टोरी जो हम सबको पता है। स्टोरी ये है कि गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों बड़े हो जाते हैं और किसकी शादी पहले की जाए उसके लिए वो दोनों शंकर पार्वती जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारी शादी करवाइए। अब दोनों की शादी साथ में तो हो नहीं सकती, तो पहली शादी किसकी हो, इसके लिए कंपटीशन रखी जाती है। और कंपटीशन ये होती है कि जो भी सबसे पहले पूरे विश्व का 3 चक्कर काट के वापस आएगा वह विजेता होगा और उसकी शादी पहले होगी। अच्छा, हम सबको पता है कार्तिकेय जी तो योद्धा थे और उनका वाहन भी मयूर था, मोर था, तो वो तो निकल गए जैसे ही उन्होंने सोच लिया, जैसे ही उन्होंने सुना कि 3 चक्कर काटने हैं विश्व के। अब गणेश जी, जैसा हम सबको पता है, भारीकम, उनका वाहन भी मूषक है। उन्होंने ये किया कि जब कार्तिकेय जी जा रहे थे बाहर की तरफ, उन्होंने आंखें बंद कर दी और मेडिटेट करना स्टार्ट किया। अचानक थोड़ी क्षणों के बाद वो खड़े हुए, उन्होंने शंकर और पार्वती को बुलाया, उनको बैठाया एक रॉक के ऊपर और उनकी 3 दफे प्रदक्षिणा कर ली। और शंकर पार्वती जी ने, जैसा हम सबको पता है, उनको विजेता घोषित कर दिया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है। ये स्टोरी, अब तक की स्टोरी अब सबको पता है। अब स्टोरी यहां से शुरू ये होती है कि कार्तिकेय जी वापस आते हैं और वो गणेश जी को बोलते हैं कि ये तो चीटिंग है। उसके जवाब पे जो गणपति जी बताते हैं वो दैट्स एन इंटरेस्टिंग आंसर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। गणेश जी ये बताते हैं कि तूने कार्तिकेय, यू टू 3 राउंड अराउंड दी वर्ल्ड, तुमने बाहर के विश्व के 3 राउंड लगाए और मैंने, आई टू 3 राउंड अराउंड माय वर्ल्ड, मैंने मेरे विश्व के 3 राउंड लगाए। नाउ विच इज बिगर, दी वर्ल्ड और माय वर्ल्ड? और कार्तिक जी कहते हैं कि यस, यू विन द बैटल, यू विन द कॉम्पिटिशन, बिकॉज माय वर्ल्ड इज बिगर देन दी वर्ल्ड। ये स्टोरी सुनने के बाद जो सनातन काल से प्रश्न हमको पूछे जाते हैं उसका भी जवाब मिलता है। सी, बहुत सारे विद्वान ये प्रश्न हमें पूछते हैं कि ज्योतिष के 3 ब्रांच है, सिद्धांत, संहिता और होरा। संहिता मीन्स भूकंप, ग्रहण, सुनामी, COVID-19 जैसे पेंडेमिक्स, और होरा मीन्स व्यक्ति के इंडिविजुअल होरोस्कोप। सो किसकी जीत होती है? सी, आपको समझना ये पड़ेगा, भूकंप तो होता है लेकिन बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, लेकिन अगर किसी की पर्सनल कुंडली पावरफुल हो तो वो बच भी जाता है। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो गांधीधाम, गुजरात में जब भूकंप हुआ गांधीधाम में, 5 दिन के बाद वो जिंदा निकला था। इन अ वेरी सेम वे सुनामी आती है, बहुत सारे लोग मर जाते लेकिन कुछ बच भी जाते हैं। ये COVID-19 का जो पेंडेमिक आया, कोरोना चारों तरफ है लेकिन सबको कोरोना थोड़ी लगता है। इन अ वेरी सेम वे, बिकॉज और ड्यू टू कोरोना और COVID-19, इकोनॉमिक कंडीशन सबकी खराब हुई, चैलेंजिंग टाइम सबको मिला, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक प्रॉफिट बुक किया इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम।
सो समझना आपको ये है बिटवीन दी वर्ल्ड एंड माय वर्ल्ड. माय वर्ल्ड ऑलवेज विंस. सो बाहर चारों तरफ चुनौतीपूर्ण समस्याएं आपको दिखे, पूरा विश्व भी आपको चैलेंजिंग लगे, चारों तरफ से नकारात्मक समाचार आपको मिले, लेकिन याद रहे आपके पर्सनल होरोस्कोप में, आपकी कुंडली में कोई ना कोई ऐसा योग अवश्य होगा जिसके आधार पर आप ये चैलेंजिंग टाइम को फेस कर पाओगे. नॉट ओनली यू विल फेस द चैलेंजिंग टाइम इफ यू नो फ्रॉम द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर देन यू कैन इवन प्रॉस्परस. सिर्फ आप में संघर्ष के सामने टिकने की स्किल प्राप्त नहीं होगी. ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग टाइम अगर आपको नेविगेट करना आ जाए तो आप सफलता भी प्राप्त कर पाओगे. सो इट इज़ माई एडवाइस, नॉट ओनली माई एडवाइस, जो प्रश्न हमें पूछा जाता है द मटेरियल वेल्थ रिद्धि और द इंटरनल विजडम सिद्धि कब प्राप्त होगी, तो उसका जवाब स्पष्ट है, जब हम गणेश जी जैसी मति रखेंगे, बुद्धि रखेंगे. और गणेश जी जैसी मति दैट मीन्स वी शुड बी फोकस मोर ऑन माय वर्ल्ड देन दी वर्ल्ड. सो आज से इस क्षण से आप अपने माय वर्ल्ड के प्रति सजग होइए और कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा अनुभव भी है और ऐसी शास्त्र की घोषणा भी है कि जिसके आधार पर ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग टाइम ऑल्सो आप सफलता प्राप्त कर पाओगे. शुभम भवतु. प्रणाम.